यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं पॉग एमसी स्काइब्लॉक के एक और न्यू वाले वीडियो पर। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्राइंड वगैरह किया था, कुछ सेट वगैरह बनाए थे, फिर बाजार वगैरह जो है वो अनलॉक किए थे। तो यहाँ पर गाइस इस वाले एपिसोड में हम लोग ग्राइंड करने वाले हैं फार्मिंग के ऊपर, और फार्मिंग में हम लोग ग्राइंड करने वाले हैं मशरूम के ऊपर। यहाँ गाइस हम लोग मशरूम का पूरा सेट बनाने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं, बट अभी के लिए पूरा का पूरा मशरूम हम लोगों का अनलॉक नहीं है। सो इस वजह से हम लोग अभी मिनियन एक बनाएंगे, इसके बाद गाइज छोड़ देंगे, बाकी और ग्राइंड धीरे धीरे करने वाले हैं। एक और गाइज इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ है, मैं आपको डिस्कॉर्ड में शेयर किया था, मेरा फेक पिक्सल का जो वाइटी रैंक है वो रिमूव हो चुका है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों है, क्या नहीं, मैं रिसेंट में ही वीडियो वगैरह तो अपलोड कर रहा था, बट अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है गाइज कि क्यों ऐसा हुआ है। वैसे मैं टिकट रेज किया हूँ, देखता हूँ अगर कुछ वैसे मिलता है, कुछ वैसे इशू है तो वो पता चले। बाकी गैस इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ गैस अगर मैं अपने कलेक्शन वगैरह पर दिखाऊँ तो फार्मिंग का कुछ कलेक्शन वगैरह है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर लास्ट जो फार्मिंग का इलाका होता है वहाँ पर मैं आपको लेकर अभी जाने वाला हूँ। इसके लिए गैस आपको सबसे पहले ये जो वीट वाला है यहाँ पर आपको आना होगा, फिर फार्म आगे है ट्रेवल टू द फार्म, इसके लिए लेवल 3 आपको फार्मिंग करना होगा। इसके बाद जैसे आप आओगे इसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल आता है, बट ध्यान रहे अगर आपको यहाँ कुछ कलेक्ट वगैरह करना है तो यहाँ आपको पम्पकिन और मेलन दो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पम्पकिन का कुछ कलेक्शन फ़िलहाल तो नहीं है, बट आप चाहे तो ना गैस मेलन का कलेक्शन अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ गैस इसके साथ ही आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पर इसका कलेक्शन वगैरह में जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप पूरा लास्ट अंत जाना चाहते हो तो ध्यान रहे गाइस आपके पास फार्मिंग लेवल 11 होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट ये फार्म का इलाका है दाबान बोल के, यहाँ आप नहीं जा सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी इतना कलेक्शन अनलॉक्ड था तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। इसके साथ ही मेरा फास्ट ट्रेवल भी गैस अनलॉक हो चुका है, तो मैं चाहूँ तो गैस ये फास्ट ट्रेवल का यूज करते हुए डायरेक्ट जा सकता हूँ, बट मैं आपको एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग गैज यहाँ पर इस पार आ चुके हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा, शुगरकेन मिलेगा, सैंड मिलेगा, रेड मशरूम मिलेंगे और ब्राउन मशरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको गैज ये सारे चीज़ यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ कोका बीन्स और रेविट और वो यहाँ पर क्या बोलते हैं सीप और ऐसे साथ और कुछ एक दो हो सकते हैं। फिलहाल जो अभी मेरे को देखने को मिले हैं ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं अपना ये देखा क्या बोलते हैं गाइस कलेक्शन मशरूम का आर्मर बनाने का, तो यहाँ मुझे 2000 कलेक्ट करने हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। एक एपिसोड में मैं ट्राई नहीं कर पाऊँगा, मैं सोचा था अनलॉक हो जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर मशरूम का जो कलेक्शन है मतलब 2-3 पेड़ है, और साथ ही साथ यहाँ पर मशरूम छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मुझे लगना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इस वजह से गैस यहाँ पर मेरे पास 4 या 5 मशरूम या फिर 10 से 15 ऐसे बस कलेक्ट करके रखा था, और मैं सोच रहा था 2000 तक पहुँचा दूंगा, बट ये जैसे कलेक्शन हो रहा है, जैसे कलेक्ट का जो मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ कोई भी ये मशरूम वाला को, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे इन्वेंट्री पर कुछ खास नहीं आ रहा है। सो इस वजह से यहाँ पर मैं एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा इसका 2000 कलेक्शन तो नहीं पहुँचा सकता हूँ, बट कोई बात नहीं गैस हम लोग ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं जितना हो सके उतना गैस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जब मैं कलेक्शन अनलॉक कर रहा था तो मैं सोचा थोड़ा सा चलो जॉम्पी वगैरह को ना मार के आते हैं। तो अभी मेरे पास जितना भी सोड आप देख रहे हो ना ये सब गैस मैं पैसे से बाय किया हूँ, मैं कोई अच्छा वगैरह सोड अभी तक बनाया नहीं हूँ और ना ही गैस कोई आर्मर वगैरह बना हुआ है। यहाँ गैस मैं थोड़ा सा मार रहा था तभी एक कुछ तो बॉस भाई स्पॉन हुआ, पता नहीं ये कुछ तो नाम था जिसका हेल्थ 400 के आसपास था, ओके, जो कि हाई था और काफ़ी स्पीड दौड़ रहा था, तो मैं इसे इजी में ले लिया। लेवल 1 वैसे जॉम्बी तो लिखा हुआ था पता नहीं, बट वो मुझे मार दिया और मेरे कुछ पैसे वगैरह जो थे वो चले गए। तो यहाँ पर मैं उसे फ़िलहाल के लिए नहीं करता हूँ। यहाँ गैस हम लोग फिर से अपने जो कलेक्शन था ये यहाँ पर मशरूम का,
उस पर हम लोग सबसे पहले फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे 500 कलेक्ट करने थे, 500 या 300 के आसपास। तो मैं क्या किया कि यहाँ पर ढेर सारा ग्राइंड किया। अभी क्या सर्वर वगैरह रिस्टार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिले से होता है, सो इस वजह से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि बार बार पहले सर्वर वगैरह रिस्टार्ट होता था, अभी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों का फाइनली फर्स्ट कलेक्शन अनलॉक हो गया। वैसे देखो मशरूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, जैसे हाईपिक्सल में रहते हैं उस टाइप से, तो थोड़ा सा अच्छा होता, बट एक जो है ये थोड़ा सा लाइट वर्जन है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कम देखने को मिलेगी, बट इतना में ही आपको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा पहला रेड मशरूम का जो कलेक्शन है वो अनलॉक हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर जैसे ही अनलॉक हुआ, इसके साथ ही मेरा कलेक्शन जो है वो भी एक कंप्लीट हो चुका था फार्मिंग का। तो मुझे यहाँ पर 2 क्रिटिकल डैमेज एक्स्ट्रा मिला, 2 हेल्थ मिला, 2 विजडम मिला, फार्मिंग फॉर्चून वगैरह जो है वो अब 72% जो है वो चांस हो चुका है। मतलब कि 2 गुना होता है ना ड्रॉप, फार्मिंग कुछ भी कर रहे हैं तो 2 गुना ड्रॉप गिरने का जो है वो 75% मेरा लक जो है वो बढ़ चुका है। तो फाइनली हम लोगों का यहाँ मशरूम मिनियन जो है वो अनलॉक हो चुका है, बट अभी मैं क्राफ्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखा दूंगा। दरअसल मैं क्राफ्ट किया बट रिकॉर्ड करना भूल गया। सो इस वजह से गाइस आप आराम से ये ऐसे कलेक्शन करना आना दबान पर, और इसके बाद आप आराम से अपना मशरूम जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, फिर कलेक्शन वगैरह जो है वो अनलॉक कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको बोला था कोका बीन्स, तो आप यहाँ पर कोका बीन्स भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोका बीन्स रैबिट वगैरह हैं, तो इन्हें भी आप मार सकते हो भाई, लेकिन काफ़ी फास्ट दौड़ते हैं भाई, इनको पीछा करने नहीं सकोगे। तो यहाँ पर कोका बीन्स वगैरह आप चाहे तो ये कलेक्शन अनलॉक कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अभी कोका बीन्स पर मुझे ऐसा कुछ भी स्पेशल चीज़ें तो नहीं देखने को मिली, जिस वजह से मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें आप क्या क्या बना सकते हो, बट अगर आप चाहे तो एज ए सेल के पर्पज़ पर आप इसे कलेक्ट वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों का फाइनली बन चुका है, हम लोग अभी और ग्राइंड करने वाले हैं। बाकी आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर गाइज कमेंट करके बता देना, ओके। बाकी मैं देखता हूँ गाइज फिक्सल का कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। और इसका जो मशरूम मिनियन है मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक और बार बना के दिखा दूंगा, ओके। तो चलो गाइज अभी के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।